जिंदगी में हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले कई बार सोचते हैं, और क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि हार गया तो क्या होगा, ये जो सोच है इसको कैसे बदला जाए। आज इसी पर सुनाता हूं एक छोटी सी कहानी। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। ये कहानी एक स्टैंड अप कॉमेडियन की, एक ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन जो बड़ा पॉपुलर होता जा रहा था। उसके शोज के लिए भीड़ लगती थी, टिकट्स के लिए मारामारी होती थी, लोग चाहते थे कि एक बार जाकर के सेल्फी क्लिक करवा लें, एक बार जाकर के उससे मिल लें। धीरे 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 उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही थी, कई सारी मैगजीन्स उसका इंटरव्यू करना चाहती थी। एक बार एक मैगजीन को उसने अपॉइंटमेंट दी, रिपोर्टर आया और आकर के सवाल जवाब करने लगा। जैसा कि होता है हर इंटरव्यू में, सामने वाले को मालूम नहीं होता कि उससे क्या क्या पूछा जा सकता है। वैसे ही एक बाउंसर इस मैगजीन के रिपोर्टर ने स्टैंड अप कॉमेडियन की तरफ दे मारा। उसने बोला कि सर, एक बात बताइए, आप ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना चाहते हैं? अब इस स्टैंड अप कॉमेडियन के पास में कोई जवाब नहीं था, इसने कुछ सोचा भी नहीं था, तो इसने कहा कि भाई ऐसा कुछ तो मैंने सोचा नहीं है। तो रिपोर्टर ने कहा कि सर कुछ तो बताइए, मतलब कुछ तो हमें लिखना होगा, कुछ तो हमें बताना होगा। फिर इस स्टैंड अप कॉमेडियन ने काफी सोचा और बोला कि एक रिकॉर्ड है जिसे मैं तोड़ना चाहता हूं, 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोलने का। रिपोर्टर ने फटाफट से वो जवाब लिख दिया, मैगजीन छप गई, इंटरव्यू आ गया, काफी लोगों ने पढ़ा, न्यूज चैनल्स ने उसको देखा, तो उनको लगा न्यूज चैनल वालों को कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। न्यूज चैनल ने डिबेट चला दी कि क्या कोई बंदा 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोल सकता है। इस बात पर पोल होने लगा, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने लगा। इस स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए बहुत बड़ी आफत आ गई। ये सब देख रहा था, इसको लग रहा था कि क्या ड्रामा चालू हो गया है। तभी इसके पास में एक न्यूज चैनल से कॉल आता है और वहां से कॉल पर कहा जाता है कि सर आज शाम 8 बजे आपको खुला चैलेंज दिया गया है, हमारे शो में आइए और 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोलकर दिखाइए। इसको लग रहा था कि ये क्या मुसीबत आ गई है, क्या किया जाए, ओपन चैलेंज चल रहा है, जाना तो पड़ेगा। रात 8 बजे से पहले 7:30 के लगभग इसके घर के बाहर न्यूज चैनल की गाड़ी आ गई इसको लेने के लिए। गाड़ी में बैठा, धक धक कर रहा था इसका दिल, इसे समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या। ये यही सोच रहा था कि हार गया तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा। न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर पहुंचा, गाड़ी से बाहर निकला और सोचने लगा कि हार गया तो क्या होगा। जैसे जैसे इसके कदम अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, ये अपनी सोच को धीरे धीरे बदल रहा था। फिर इसने सोचा कि हार गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि लोग कहेंगे कि फालतू की बातें करता है, इसने जबरदस्ती इतनी बड़ी फेंक दी कि मैं 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोलने का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, क्या होगा, लोग मेरे बारे में थोड़े टाइम के लिए बुरा कह देंगे। इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये बंदा स्टैंड अप कॉमेडियन स्टूडियो में पहुंचा, शो शुरू होने वाला था, 8 बजने वाली थी। इसने एक बार फिर से सोचा और अब की बार सोचा कि अगर जीत गया तो क्या होगा, अभी जहां पहुंचा हूं यहां से और ऊपर चला जाऊंगा, और ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा, दुनिया मुझे जानने लगेगी। शो शुरू हुआ, 8 बजी, 1 मिनट का चैलेंज आया और इस बंदे ने कमाल कर दिखाया, सबसे ज्यादा वर्ड्स 1 मिनट में बोल के दिखा दिए। उसके बाद इसे खुद पर यकीन हुआ कि जीत गया तो क्या होगा, यही सोचना जरूरी है। ये छोटी सी कहानी हम सबको बहुत बड़ी बात बताती है। जिंदगी में बदलनी है तो अपनी सोच बदलिए। कई बार हम यही सोचते रह जाते हैं कि हार गया तो क्या होगा, और वो जो सोच रहे होते हैं धीरे 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 हम पर इतना हावी हो जाता है कि हमारे आसपास वही होने लगता है जो नेगेटिव हम सोच रहे थे। लाइफ में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। जीत गया तो क्या होगा, जब ये फीलिंग आपके अंदर आएगी तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो आप पा नहीं सकते। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त से, क्या पता उसके पास इनकार का भी वक्त ना हो। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक किसान परिवार में पैदा हुए एक लड़के की, जिसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो बड़ा होकर के किसान बने, खेती करे, लेकिन वो चाहता था कुछ और। उसने एक दिन अपने मम्मी पापा को बताया कि मैं बड़ा होकर के सैनिक बनना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए आप ट्रेनिंग करवाइए, मुझे उसके लिए भेजिए। उसके पापा ने कहा कि ठीक है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप जाइए, जाकर के तलवारबाजी सीखिए, तब जाकर के आप सैनिक बन पाएंगे, योद्धा बन पाएंगे। लड़के ने अगले ही दिन से जाकर के ट्रेनिंग करना शुरू किया। जब वो शुरुआत में वहां पहुंचा, क्लासेस लेने लगा, तो उसे समझ में आ गया कि तलवारबाजी उसके लिए बनी ही नहीं। 2-3 दिन के अंदर वो हिम्मत हार गया। उसे लगा कि अब क्या किया जाए, वो मन में सपना तो था वॉरियर बनने का, योद्धा बनना है, सैनिक बनना है, लेकिन क्या करें। फिर उसे लगा कि क्यों ना बैकडोर एंट्री करते हैं,
पीछे के रास्ते से जाते हैं। अब पीछे का रास्ता क्या था? उस सेना का जो सेनापति था वो इनके परिवार में किसी रिश्तेदार का दोस्त था। अब इसने सोचा कि क्यों ना उस रिश्तेदार तक पहुंचा जाए। अपनी मम्मी से जाकर के इसने अर्जी लगाई कि माँ प्लीज मुझे वहां तक जाने दीजिए, उनसे कहिए कि वो मेरी मुलाकात करवा दें सेनापति से। रिश्तेदार के घर पहुंचा, वहां से सेनापति से मिला, सेनापति को जाकर के कहा कि बस मुझे सेना में ले लीजिए। सेनापति ने कहा कि बेटा आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, आपको तलवारबाजी आती नहीं, आप तलवार ढंग से चला नहीं पाते, आपका सेना में क्या काम रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके रिश्तेदार मेरे दोस्त हैं तो दोस्ती की खातिर मैं आपको सेना में ले लेता हूं। आप रिजर्व्ड फोर्स में रहेंगे, आपका काम नहीं होगा, आप बस आराम कीजिएगा, बहुत कम आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, मुश्किल है कि आपकी कभी जरूरत भी पड़े। लड़का खुश हो गया कि चलो भाई सैनिक की वर्दी मिल जाएगी, काम भी नहीं करना है, युद्ध में भी नहीं जाना है, आराम करेंगे, आराम से रहेंगे, रिजर्व्ड फोर्स के साथ रहेंगे, बहुत मुश्किल से कभी मौका मिलेगा युद्ध में जाने का, वो तब की तब देखेंगे। रिजर्व्ड फोर्स में शामिल हो गया, साल पर साल बीतते गए। एक बार उस राज्य पर बहुत बड़ा हमला हुआ, अब सारी फोर्सेस जितनी सेनाएं थी सबको युद्ध के मैदान में उतरना था। ये लड़का भी मैदान में उतरा, तलवार चलानी आ नहीं रही थी, इसके चक्कर में बहुत बड़ी मुश्किल हो गई और शाम में इसे सेनापति के सामने पेश किया गया। सारे सैनिक इसको बुरी बुरी सुनाने लगे। सेनापति ने कहा कि ये तो बड़ा ही एंबैरेसिंग मोमेंट है, क्या किया जाए, मैंने तो खुद इसे भर्ती किया। तो उसने उस लड़के को डांटते हुए कहा कि अब तुम सेना में नहीं रहोगे, अब तुम जाकर के महल की पहरेदारी करोगे, तुम आज से पहरेदार हो। लड़के को फिर से एक नया काम मिल गया, अब उसे पहरेदार बनना था। अब वो सोच रहा था कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, सेनापति से मैंने अर्जी लगाई थी तो सैनिक बना था, रिजर्व फोर्स में था, काश मेरी बात एक बार यहाँ के राजा से हो जाए, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। साल पर साल बीतते गए, महल के सामने खड़ा हुआ पहरेदारी करता रहा, लेकिन कभी भी राजा से मुलाकात नहीं हो पाई। बूढ़ा हो चला था, सर्दी की शाम थी, पतली सी वर्दी पहन करके पहरेदारी कर रहा था। पता नहीं कहां से किस्मत चमकी, उस दिन राजा साहब वहां से निकले, उनके साथ में ज्यादा सैनिक नहीं थे तो उनकी भी नजर पड़ गई, एक पहरेदार ठिठुर रहा है, वृद्ध सा बूढ़ा सा। राजा उसके पास आया और आकर के बोला कि आपको ठंड नहीं लग रही? तो उस पहरेदार ने कहा कि मुझे बड़ी ठंड लग रही है, लेकिन क्या करूं साहब, सालों से इसी वर्दी में सर्दी बिताता आ रहा हूं। राजा ने वादा कर दिया कि आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं अंदर जाता हूं, वहां से आपके लिए एक अच्छा सा कंबल भिजवाता हूं। राजा साहब अंदर गए, व्यस्त हो गए, इस बात को भूल गए। सुबह सुबह सैनिकों ने जाकर के बताया कि राजा साहब आपने जिस पहरेदार को वादा किया था कंबल पहुंचाने का, उसकी रात में ठिठुरने की वजह से, सर्दी में ठिठुरने की वजह से मौत हो गई है। राजा दौड़ा चला आया, आकर के देखता है पहरेदार की लाश पड़ी हुई थी और लाश के पास में मिट्टी पर उंगली से कुछ लिखा हुआ था। वहां लिखा हुआ था कि राजा साहब मैं सालों से सर्दी में रात बिताते चला आ रहा था, लेकिन कल रात में आपने कंबल का वादा किया और उस वादे के चक्कर में मुझे ज्यादा ठंड लगने लगी, मुझे लगा कि कंबल आएगा और उसी वादे के चक्कर में, उसी वादे के सहारे में रात बिताता रहा, मैं कमजोर पड़ता गया और अब मेरी जान जा रही है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं। सहारे लेना बंद कीजिए, खुद की ताकत को आजमाना शुरू कीजिए, तभी आप कमाल कर पाएंगे। आरजे कार्तिक बार बार कहता है, फिर से कहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो आपको भी लगा होगा, अगर अभी नहीं लगा तो पहले लगा होगा, हो सकता है अभी भी आप सोचते हो कि जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा है जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुकी हुई है, कोई मेरे आसपास ऐसा है जिसने मेरा रास्ता रोक रखा है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। अगर आपको लगता है कि आपका रास्ता किसी ने रोक रखा है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एक बार एक प्राइवेट कंपनी के दरवाजे के बाहर नोटिस बोर्ड पर एक लेटर चिपका। सुबह सुबह जब एम्प्लॉइज पहुंचे तो देख करके शॉक्ड रह गए। उस लेटर पर लिखा था कि आज उनकी डेथ हो गई है जिनकी वजह से आपका रास्ता रुका हुआ था, जिन्होंने आपकी ग्रोथ रोकी हुई थी, आज वो हमें छोड़कर चले गए हैं। ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होगी, फ्यूनरल के लिए ले जाएं उससे पहले आप अंतिम दर्शन कर सकते हैं, वहां डेड बॉडी रखी हुई है, ऐसा करके पूरा उस पर लिखा हुआ था। जैसे जैसे एम्प्लॉय सुबह आ रहे थे, पढ़ रहे थे, शॉक्ड हो रहे थे। पहली बात तो उन्हें दुख हो रहा था कि उनमें से कोई एक चला गया, कौन चला गया पता नहीं चल रहा था। दूसरी बात, वो ये जानने के लिए उत्सुक थे, एक्साइटेड थे कि कौन है जिसने हमारा रास्ता रोक रखा था, जो यहां से चला गया, हमें छोड़ करके चला गया। सारे एम्प्लॉयज ने ये चेक करने की कोशिश की कि जल्द से जल्द मालूम चल जाए, लेकिन ऑफिस में तैयारी कुछ इस तरीके से की गई थी कि एक बार जो कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रहा था, जब वो बाहर निकल रहा था तो दूसरे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ नहीं पा रहा था, लाइन बड़ी लंबी लग चुकी थी, सिक्योरिटी बुलानी पड़ गई, धीरे धीरे के करके लोग जाने लगे। जब वो अंदर जा रहे थे और जब बाहर निकल रहे थे तो उनके चेहरे पर उदासी थी, गमगीन थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई बहुत बड़ा झटका लगा है।
उसी ऑफिस में एक बंदा ऐसा था जो दिन भर इस बात से परेशान रहता था कि मेरा काम फलाना की वजह से नहीं हो पाता, उसकी वजह से नहीं हो पाता, इसकी वजह से नहीं हो पाता। वो बड़ा खुश हो रहा था, उसे लग रहा था कि चलो यार फाइनली कोई तो गया जिसने मेरा रास्ता रोक रखा था। उसकी बारी आई, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में गया, अंदर जाकर के देखता है कि एक कॉफिन रखा हुआ था। वो गया जाकर के कॉफिन को उठाया, जैसे ही उसने ढक्कन खोला वो शॉक्ड रह गया। वहां अंदर कोई भी बॉडी नहीं थी, उस कॉफिन में मिरर लगा हुआ था और उस मिरर के पास में एक कागज चिपका हुआ था। उस लेटर पर लिखा था कि जिंदगी में आप ही हैं जिसने आपका रास्ता रोक रखा है, आपने खुद की ग्रोथ को रोका हुआ है, आपको अपनी उन कमजोरियों को पहचानने की जरूरत है। ये पढ़ने के बाद वो व्यक्ति शर्म से लाल हो गया। उसे उस दिन समझ में आया कि वो दिन भर जो कमियां निकालता रहता था आखिर में कमी तो उसी में थी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, जिंदगी में कमी हर किसी के अंदर है, उस कमी को ढूंढना शुरू कीजिए, ना कि आप दिन भर ये कहते रहें कि हमारे ऑफिस में माहौल सही नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं है, घर में शोर मचता रहता है। ऑफिस का माहौल ठीक तब होगा जब आप अंदर से ठीक होंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। जिंदगी में इंसान हमेशा अंदर की कमजोरियों से हारता है, इसलिए खुद को तैयार कीजिए और आसपास के माहौल को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि वो आप ही हैं जिसने अपना रास्ता रोक रखा है। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं ही नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियां, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है राजा विक्रम की। राजा विक्रम को अपने राज्य में उत्तराधिकारी का चुनाव करना था। बड़ा आसान होता अगर उनके बच्चे कम होते, लेकिन उनके 100 बच्चे थे। अब 100 बच्चों में से किसी एक को चुनना बड़ा ही मुश्किल टास्क था। रानी को भी सभी बच्चों से बराबर प्यार था, राजा को भी सभी बच्चों से बराबर प्यार था। रानी ने एक बार सुझाव दिया कि क्यों ना हम राज्य के टुकड़े कर दें, सब बच्चों में बराबर हिस्सा बांट दें। राजा ने कहा कि ये तरीका अच्छा नहीं होगा, हम प्रजा को अपने अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते, हमें किसी एक को राजा चुनना होगा, किसी एक को राजा बनाना होगा। और तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि इन सब में से जो सर्वश्रेष्ठ है वो सामने निकल करके आ जाएगा। रानी ने कहा ठीक है, फिर आपकी मर्जी, आपको जो करना आप कीजिए। राजा ने ऐलान करवा दिया कि अब राज्य का उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया है, सभी राजकुमारों के लिए एक भोज रखा जाएगा और उसके बाद में उत्तराधिकारी का चुनाव कर लिया जाएगा। अब प्रजा चक्कर में पड़ गई कि कोई प्रतियोगिता तो रखी नहीं है, सिर्फ भोज रख दिया है, अब खाना खाने से कैसे पता चलेगा कि कौन सा राजकुमार अच्छा है। लेकिन राजा ने शायद कुछ और सोच रखा था। वो शाम आई जब भोज का समय था, सारे राजकुमार तैयार होकर के प्रांगण में आ गए, 100 राजकुमारों के लिए 100 थालियां लग गईं, पकवान बन गए, सब कुछ तैयार था। उनके सामने थालियां परोस दी गईं, वो खाना खाने ही वाले थे कि अचानक से वहां बहुत सारे शिकारी कुत्ते आ गए। अब राजकुमारों में हलचल मच गई, वो इधर उधर भागने लगे, तितर बितर हो गए, कुछ डर करके भाग गए, कुछ शिकारी कुत्तों का शिकार करने के लिए निकल पड़े, कुल मिलाकर के युद्ध सा माहौल बन गया। वो शाम जैसे तैसे बीत गई। जब प्रजा को मालूम चला कि वहां पर तो शिकारी कुत्ते आ गए थे, तो प्रजा सोच में पड़ गई, जनता सोचने लगी कि अब तो कैसे राजा मिलेगा। लेकिन अगले दिन राजा विक्रम ने ऐलान किया कि आज शाम में दरबार लगेगा और भरे दरबार में घोषणा की जाएगी कि राज्य का राजा कौन होगा। जनता को समझ नहीं आ रहा था कि राजा साहब ने उत्तराधिकारी चुन कैसे लिया है, कहां से इन्होंने चुनाव कर लिया है, क्योंकि खाना तो हुआ नहीं, भोजन हुआ नहीं, चुनाव हुआ नहीं, कौन सी प्रतियोगिता थी जिससे परिणाम निकल आया है। खैर, शाम का वक्त आया, दरबार सज चुका था, मंत्री बैठे हुए थे, जनता आकर के दरबार में बैठ गई थी, हर कोई इंतजार कर रहा था उस अनाउंसमेंट का जब मालूम चलने वाला था कि हमारा अगला राजा कौन होगा। राजा साहब ने एक एक करके सारे राजकुमारों को बुलाया और उनसे पूछना शुरू किया कि कल का भोज कैसा रहा, कल का खाना कैसा था। पहले राजकुमार ने जो सबसे ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े थे, वो गुस्सा होने लगे, उन्होंने बोला कि क्या तरीका है पिताजी, कल आपने देखा होगा जब हम खाना खाने के लिए बैठे, भोज शुरू होने वाला था, तभी अचानक से शिकारी कुत्ते आ गए, हमारे पहरेदार इतने निकम्मे हो गए हैं कि वो शिकारी कुत्तों को रोक नहीं पाए, हमें खुद जाकर के 3-4 का शिकार करना पड़ा, कितनी मुश्किल घड़ी थी। दूसरे वाले से पूछा तो उसने कहा कि पिताजी मुझे नहीं मालूम, मैं तो वहां से डर करके भाग गया था, मुझे बड़ा डर लगता है।
एक एक करके राजकुमार अपना बहाना गिनाते रहे। आखिरी राजकुमार जिन्होंने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने कल भोजन खाया, बहुत ही कमाल का भोजन था, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, बहुत अच्छे पकवान बने थे, खाना खाने में आनंद आ गया, मजा आ गया, इससे बढ़िया भोजन नहीं हो सकता था। हर कोई वहां पर अचंभे में पड़ गया, शॉक्ड था, समझ नहीं पाया कि इन भाई साहब ने कैसे खाना खा लिया। राजा ने भी पूछा कि जरा बताइए दरबार को कि आपने कल भोजन कैसे किया। तो जो राजकुमार थे जिनका नाम शांतनु था, उन्होंने कहा कि कल महाराज वहां 100 थालियां लगी थी, मैं खाना खाने के लिए बैठा, अचानक से शिकारी कुत्ते आ गए, सारे राजकुमार भाग गए, मैं वहीं बैठा रहा, मैं अपना खाना खाता रहा, जैसे ही कोई शिकारी कुत्ता मेरी तरफ आता मैं एक थाली उठाता और उसके सामने खाली कर देता, 99 थालियां रखी हुई थी, मैंने सारे कुत्तों को भोजन भी करा दिया और साथ में अपना भोजन भी शांति से पा लिया, अपना भोज भी पूर्ण कर लिया। इस तरीके से महाराज कल मेरा भोजन बड़ा शानदार रहा। जैसे ही शांतनु का जवाब सुना तो दरबार में तालियां बजने लगीं और राजा ने अनाउंसमेंट की कि अब यही आपके अगले राजा होंगे। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स हर किसी के हैं, बहुत सारी समस्याओं का पहाड़ हम सबके सामने खड़ा है। हम जिंदा हैं तब तक समस्याएं रहेंगी, जिस दिन समस्याएं खत्म हो जाएंगी शायद हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए जिंदगी में समस्याओं से घबराना, उनके बारे में बात करना बंद कीजिए। बात करनी है तो प्रॉब्लम्स की नहीं सॉल्यूशंस की कीजिए, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हरिवंश राय बच्चन साहब एक बात कहा करते थे और इसी बात को बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब कई बार रिपीट करते हैं कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि जब आपके हमारे मन का नहीं होता तो ऊपर वाले के मन का होता है और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी इसी बात पर। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो गांव से शहर आया था, नौकरी के लिए लगातार इंटरव्यूज दे रहा था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब वापस गांव चले जाना चाहिए। एक आखिरी मौका उसके पास बचा था, एक आखिरी इंटरव्यू बाकी था। वो कंपनी में पहुंचा, लंबी लाइन थी, उसका नंबर आया, उसे सवाल जवाब किए गए। काफी सारे सवाल जवाब के बाद उसे लगा कि अब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसने सभी सवालों के सही जवाब दिए। तभी इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी ईमेल आईडी क्या है। इस व्यक्ति के पास में अपनी कोई ईमेल आईडी नहीं थी। इसने कहा कि मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है। इसे वहां से रिजेक्ट करके भेज दिया गया। इसे कहा गया कि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है और आप यहां जॉब करना चाहते हैं। उस कंपनी से बाहर निकला तो दरवाजे पर खड़ा होकर के सोचने लगा कि क्या किया जाए। लगातार मुझे फेलियर मिल रहा है, लगातार मुझे निराशा हाथ लग रही है। कोई भी व्यक्ति वहां होता उसके दिमाग में 40-50 उल्टे ख्याल आते। इसके दिमाग में भी ख्याल आने ही वाले थे कि अचानक से इसका हाथ अपनी पॉकेट की तरफ गया। इसने देखा कि इसके पास में 100 रुपए का एक नोट रखा था। ये व्यक्ति वहां से सीधा चला गया सुपरमार्केट, वहां जाकर के टमाटर खरीदे और उसी शहर के कॉलोनी में जाकर के टमाटर बेचना शुरू किया। शाम तक इसके सारे टमाटर बिक चुके थे, 120 रुपए इसकी जेब में थे। अगले दिन फिर से इसने ऐसा ही किया, 120 रुपयों से टमाटर खरीदे, फिर से बेचना शुरू किया। शाम तक 150 रुपये कमा चुका था। इस तरीके से रोजाना पैसे बढ़ते गए, बचत होने लगी। धीरे 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 साल दो साल के अंदर इसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। 4-5 साल के अंदर बिजनेस इतना ग्रो कर गया कि अपना खुद का एक छोटा सा सुपरमार्केट खोल लिया। काफी सालों तक यही बिजनेस करता रहा। धीरे धीरे उस शहर में इसका एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट खुल चुका था। हर किसी को लगता था कि ताजी सब्जियां चाहिए, अच्छी सब्जियां चाहिए तो इन्हीं के सुपरमार्केट में जाना होगा। एक दिन ये बैठा हुआ था, इसको ख्याल आया कि क्यों ना इतने बड़े बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया जाए। इतना बड़ा बिजनेस खुल चुका है, इसका इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है। इसने एक इंश्योरेंस एजेंट को कॉल किया और कहा कि आप आइए, मुझे अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाना है। वो एजेंट वहां पहुंचा, वहां पहुंच करके सारी जानकारी लेने लगा, फॉर्म फिलअप करने लगा और आखिरी में पूछता है कि सर आपकी ईमेल आईडी क्या है। तो ये जो बिजनेसमैन था, जो कि इतना बड़ा व्यापारी बन चुका था, सब्जियों का इतना बड़ा सुपरमार्केट था, इसने कहा कि मेरे भाई मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है, अगर मेरी ईमेल आईडी होती तो आज तुम यहां बैठ करके मेरे सुपरमार्केट का इंश्योरेंस नहीं कर रहे होते। इंश्योरेंस एजेंट को ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि उसे पुरानी कहानी मालूम नहीं थी, लेकिन आपको समझ में आई होगी। कई बार हमारे मन का नहीं होता है, जब आपके मन का ना हो तो इंतजार कीजिए, ऊपर वाले के मन का जरूर होगा और कोशिश कीजिए। कई सारे रास्ते आपके आसपास खुले हैं, उनमें से सबसे अच्छा रास्ता चुनिए और उस पर चल कर दिखाइए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुद को खुश रखने के तरीके ढूंढें, क्योंकि तकलीफें तो आपको ढूंढ ही रही हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक बूढ़ी अम्मा की, जिनकी फैमिली में अब कोई नहीं बचा था। जिस फ्लैट में वो रहती थी उसकी ईएमआई चुकाना अभी भी बाकी था, लोन चल रहा था, फैमिली कंडीशंस खराब थी, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब थी, और इस वजह से कुछ महीने ऐसे भी थे जिनमें उनके पास ईएमआई चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। उस बिल्डिंग के ओनर ने नोटिस दे दिया कि आपको अब ये फ्लैट खाली करना होगा, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को यहाँ नहीं रख सकते जिनके पास में पैसा भी नहीं है। उसने 2-3 बार नोटिस दिया और फाइनली सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। उन अम्मा का सामान बाहर फेंकने की तैयारी हो रही थी। वो फूट फूट करके रो रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। तभी अचानक से उस सीन में एक ऐसे बंदे की एंट्री होती है जो कि सब कुछ पलट देता है। सूटेड बूटेड बंदा आता है और आकर के सिक्योरिटी गार्ड्स को पेपर दिखाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। अम्मा पूछती हैं कि आप कौन हैं और कहां से ऊपर वाला बनकर मेरी लाइफ में आए हैं। तो वो बंदा बताता है कि माँ, आप शायद भूल गईं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। ये फ्लैट मैंने अपने नाम किया है और उसके बाद फिर से आपके नाम कर दिया है, क्योंकि आप आज से 30 साल पहले मेरी लाइफ में ऊपर वाला बनकर आई थी। आपको शायद याद नहीं होगा, आप और आपके पति एक बार मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के बाद में बाहर निकले थे एक मॉल से, और बाहर फुटपाथ पर मैं पड़ा हुआ था, गंदे कपड़े थे, भीख मांग रहा था, जैसे बाकी भिखारियों को डांटकर भगा दिया जाता है, झड़क दिया जाता है, वैसे ही आपके पति ने मुझे मना कर दिया था, कहा था दूर जाकर के बैठ जाओ, लेकिन आपका दिल पिघला और आपने मेरी मदद की। आपके पति तो थोड़ा आगे बढ़ गए, लेकिन आप वहीं रुकी रहीं। आपने अपने पर्स में से जितना कैश था निकाल करके मुझे दे दिया और साथ में एक लॉकेट दिया और कहा कि इसे हमेशा पहनना, यह तुम्हारा लकी चार्म रहेगा। उस दिन मैं आपका सिर्फ शुक्रिया अदा कर सका और मैंने जाते जाते आपका नाम पूछ लिया था। वो नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। आप तो उस वक्त मेरी मदद करके चली गई, लेकिन आपने जो पैसे मुझे दिए थे मैंने उनका सही इस्तेमाल किया। मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, अपने आप की जिंदगी को संवारना शुरू किया। इन 30 सालों में काफ़ी कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारी तैयारी की, धीरे धीरे मैं इस लायक बन गया कि अपना बिजनेस शुरू कर दिया। आज रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। कल मेरे ऑफिस में लैपटॉप पर एक फाइल खुली हुई थी जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनके फ्लैट्स खाली करवाए जाने थे। अचानक से वो नाम मुझे दिखा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आपके बारे में सारी डिटेल्स निकलवाई और यहाँ पहुँच गया। फटाफट से फ्लैट खरीदा और ये फ्लैट फिर से आपके नाम कर दिया। आपने मेरी जिंदगी संवारी थी। मैं नहीं चाहता कि अब इस उम्र में आपकी कोई जिंदगी बर्बाद करे। ये लॉकेट जो कि आपने मुझे उस वक्त दिया था, ये लकी चाम वाला लॉकेट अब मैं आपको दे रहा हूं। आप हमेशा मुस्कुराएं मां, मेरी बस यही आपके लिए कामना है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में दुआएं कमाइए, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाता है। जब आप दुआएं कमाएंगे तो पैसा अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आप खुद समझ नहीं पाएंगे, इतनी कृपा आपकी लाइफ में अचानक आने लगेगी। लाइफ में गुड विशेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और याद रखना, ज्ञान सबके पास है, बांटनी हो तो मुस्कान बांटिएगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि काश जिंदगी में समस्याएं भी व्हाट्सएप स्टेटस की तरह होती जो 24 घंटे में खुद ब खुद डिलीट हो जाती। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी गरीब परिवार में रह रहे बच्चे की, जिसकी फैमिली में खाने पीने के लाले थे, जिसके परिवार में बहुत कम पैसा था। एक दिन पिताजी ने इस बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा एक काम करना, ये पुरानी सी टी शर्ट है, इसको आज मार्केट में जाकर के बेच करके आना, क्या लगता है आपको कितने की होगी? उस बच्चे ने टी शर्ट को देखा और बोला कि $1 की होगी। तो पापा ने कहा, बेटा आपको आज इसे $2 में बेच करके आना है। लड़के को समझ नहीं आया कि पापा ने कौन सा टास्क दिया। फिर उसे याद आया कि उसकी फैमिली कंडीशंस बहुत खराब थी, तो उसने सोचा कि फैमिली की मदद करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। वो लड़का बाहर जा चुका था, आसपास ढूंढने लगा किसको बेचूं किसको बेचूं। फिर उसे लगा कि टी शर्ट तो वाकई में बहुत गंदी है, इसको $2 में तो कोई नहीं खरीदेगा। वो लड़का वापस घर में आया, घर में जो पुराने कपड़े रखे थे उसके नीचे उस टी शर्ट को रख दिया। उनके घर में आयन तो थी नहीं, प्रेस करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं था।
वो टी शर्ट थोड़ी सी ठीक हो गई, उसकी सलबटें मिट गईं। अब वो टी शर्ट को लेकर के स्टेशन पहुंच गया, वहां जाकर के बेचने की कोशिश करने लगा। शाम तक फाइनली वो टी शर्ट बिक गई, $2 में बेच दी। घर आया, पापा को आकर के $2 दिए। लड़के को लगा कि पापा खुश होंगे, लेकिन पापा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, पापा चुप रहे। अगले दिन पापा ने फिर से एक पुरानी टी शर्ट निकाली और इस लड़के से कहा कि बेटा आज आपको फिर से ये टी शर्ट बेचने के लिए जाना है, और आज $2 में नहीं बल्कि $20 में ये $1 वाली टी शर्ट बेच करके आनी है। आपने बताया था कि $1 की है, अब $1 वाली टी शर्ट आप $20 में बेच करके आएंगे। लड़के को अब की बार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरा ब्लैंक था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। फाइनली उसने फिर से अपना दिमाग लगाया तो उसको लगा कि काम करता हूं। उसके घर में एक पुराना मिकी माउस का स्टिकर रखा था, उसने उस टी शर्ट पर उस मिकी माउस के स्टिकर को चिपका दिया। वो टी शर्ट अब मिकी माउस वाली बन गई थी। वो लड़का उस टी शर्ट को लेकर के गया और एक बड़े से स्कूल के सामने खड़ा हो गया जहां पर अमीरों के बच्चे पढ़ा करते थे। स्कूल की छुट्टी हुई, सारे बच्चे बाहर निकले, उनके मम्मी पापा उन्हें लेने के लिए आए हुए थे। उनमें से एक बच्चे की नजर पड़ी इस टी शर्ट पर जिस पर मिकी माउस बना था। उस बच्चे ने अपने पापा से जिद की कि पापा मुझे वो टी शर्ट चाहिए। पापा ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा टी शर्ट बेचने के लिए खड़ा हुआ है। वो आए, उन्होंने देखा कि टी शर्ट बड़ी अच्छी थी, मिकी माउस का स्टिकर था, बड़ी क्रिएटिविटी दिखाई गई थी, तो बड़े खुश हुए। उन्होंने $20 भी दिए और साथ में $5 की टिप दी कि बेटा ये आपके लिए। अब वो $1 की टी शर्ट ये लड़का $25 में बेच चुका था। इसे लग रहा था कि आज तो पापा बहुत ज्यादा खुश होंगे। ये पहुंचा घर पर, जाकर के पापा को बताया कि पापा $1 वाली टी शर्ट आज $25 में बेच दी है। पापा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना खुश हुए ना दुखी हुए, चुप रहे। अगले दिन फिर से उन्होंने एक पुरानी टी शर्ट निकाली, वही $1 वाली टी शर्ट, और बच्चे से कहा कि बेटा आज आपको इस टी शर्ट को $200 में बेच करके आना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये करके दिखाओगे। लड़के के पसीने छूट गए, उसे समझ नहीं आ रहा था कि पापा कौन सा टास्क दे रहे हैं। रोजाना मुझसे कह रहे हैं कि जाओ इतने में बेच करके आओ, इतने में बेच करके आओ। फिर उसे अपनी फैमिली कंडीशन से याद आई, उसे लगा कि हमारे परिवार में वाकई पैसे की जरूरत है, मुझे फैमिली की मदद करनी होगी। जब मैं $1 की टी शर्ट को 25 में बेच सकता हूं तो 200 में भी बेच सकता हूं। लड़का बाहर बाजार में निकला और आसपास देखने लगा। उसकी नजर पड़ी उनके शहर में एक बड़ी एक्ट्रेस आने वाली थी एक स्टोर के इनॉग्रेशन के लिए। लड़का वहीं पहुंच गया। वहां पहुंचा तो देखता है कि लंबी भीड़ लगी हुई थी। उस लंबी सी भीड़ में से छोटा बच्चा था इधर से उधर से घुसता हुआ आगे निकल गया। वहां एक्ट्रेस आई हुई थी, वो इनॉग्रेशन करने वाली थी। तभी यह लड़का चिल्लाने लगा, मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। एक्ट्रेस ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा आवाज लगा रहा है, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो उन्होंने उस बच्चे को आगे बुला लिया। उस बच्चे के पास में एक टी शर्ट थी, उसने कहा कि मैम क्या आपका ऑटोग्राफ इस पर मिलेगा। उस एक्ट्रेस ने उस पर अपने साइन कर दिए। उसके बाद वो लड़का वहां पर खड़ा होकर के टी शर्ट बेचने लगा कि बताइए आप में से किसको चाहिए। वो $200 का टारगेट लेकर के गया था, वो टी शर्ट उसने $250 में बेच दी। उस टी शर्ट के मुंह मांगे दाम उसे उस दिन मिल गए। वापस घर गया, पापा को कहा कि पापा आपने तो $200 की बात की थी, $250 में टी शर्ट बेच करके आ गया। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अमेरिका का मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन था। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी आ जाएं, आप हर समस्या का पार पा सकते हैं, आप हर समस्या से जीत सकते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, उस दिन बड़े बड़े लोगों के दिमाग में आप आना शुरू हो जाएंगे। आप खुद ब खुद एक बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक भिखारी की जो रेलवे स्टेशन के बाहर रहा करता था। स्टेशन से ट्रेन में बैठता, दूसरे स्टेशन उतरता, वहां से दूसरी ट्रेन में बैठता, फिर अपने स्टेशन उतरता, ट्रेन में भीख मांगने का काम करता था। एक दिन रोजाना की तरह भीख मांग रहा था, लोगों के सामने जाकर के गिड़गिड़ा रहा था, पैसे मांग रहा था। तभी इसने देखा कि उस कोच में एक सूटेड बूटेड बंदा बैठा हुआ था। इसे लगा कि ये अमीर आदमी है, इससे अगर भीख मिल गई तो कम नहीं मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी, फिर मुझे दूसरे कोच में जाकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास गया और जाकर के एक्टिंग करने लगा, भीख मांगने लगा, अपनी आवाज को बदल बदल करके अपना सारा दर्द निकालने लगा। लेकिन वो जो बंदा बैठा हुआ था, सूटेड बूटेड आदमी, उसने डांट दिया। उसने बोला कि आप ये मेरे सामने नाटक मत कीजिए, मैं आपको देख रहा था, आप चुपचाप वहां से चले आ रहे थे, यहां आकर के आप उदास हो गए, गिड़गिड़ाने लगे, ये हरकत मत कीजिए। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपको चलिए भीख दे भी दूंगा, आपके पास मुझे देने के लिए क्या है?
भिखारी ने कहा कि ये क्या सवाल कर रहे हैं आप, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास आपको देने के लिए क्या हो सकता है, मेरी औकात क्या है कि मैं आपको बदले में कुछ दे दूं। तो जो सूटेड बूटेड बंदा था उसने कहा कि जब आप मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मुझसे कुछ लेने की उम्मीद भी मत रखिए, आप चले जाइए, आपको मेरे पास से एक रुपया नहीं मिलने वाला। ये व्यक्ति वहां से चला गया भिखारी और सोचता रहा कि यार ये क्या बात बोल दी, ये क्या बात बोल दी कि तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। भिखारी को समझ नहीं आया, जिस स्टेशन के बाहर रहता था उस स्टेशन पर उतरा और बाहर आकर के आसपास देखने लगा कि ऐसा क्या है जब कोई मुझे भीख दे तो मैं उसे बदले में दे दूं। इसने नजर दौड़ाई तो इसे दिखाई दिए कुछ फूल। इसने देखा कि यहां पौधे लगे हैं, पौधों पर फूल आए हुए हैं, क्यों ना एक काम करता हूं, अब से जब भी कोई मुझे भीख देगा मैं उसे बदले में एक फूल दूंगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने, उस भिखारी ने एक नई आदत डाल ली, जब भी वो भीख मांगता, अगर उसे भीख में पैसे मिलते तो वो सामने वाले को एक फूल देता। सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता कि यार ये पहला भिखारी है जो भीख देने के बदले में कुछ ना कुछ दे रहा है। भिखारी को भी अच्छा लगने लगा कि चलो लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, लोगों को मेरी सोच पसंद आ रही है। एक दिन फिर से वो ट्रेन में था, उस कोच में था जहां उसे अमीर, वो सूटेड बूटेड बंदा दिखाई दिया था। एक बार फिर से उस दिन वही व्यक्ति दिखाई दिया, उसके पास गया और जाकर के बोला कि भाई साहब आज तो आपको भीख देनी ही पड़ेगी, आज तो आपको मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ है। अब उस अमीर व्यक्ति ने, सूटेड बूटेड बंदे ने सोचा कि यार इसके पास में मुझे देने के लिए क्या हो सकता है, उसने भरोसा किया और उस व्यक्ति को भीख दे दी। जैसे उसने भीख दी वैसे ही भिखारी ने अपने पास में से निकाल करके एक फूल दे दिया और कहा कि लीजिए ये मेरी तरफ से आपके लिए। उस व्यक्ति को अच्छा लगा, उसने कहा कि अब एक बात और सुनो, एक बात का और ध्यान रखना, बात यह है कि अब तुम अपनी सोच को बड़ा करो, क्यों नहीं तुम व्यापारी बन जाते, क्यों नहीं तुम बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, तुम बड़ा काम कर सकते हो, अपनी सोच को बदलने के बारे में सोचना। भिखारी को फिर से वो कुछ बता करके बंदा वहां से चला गया। भिखारी ट्रेन से उतरा, अपने स्टेशन पर आया, स्टेशन पर बाहर आने के बाद में सोचने लगा कि ये क्या बोल के चला गया, मैं बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूं। भिखारी को मालूम नहीं कहां से एनर्जी मिली, वो जोर से चिल्लाया कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, और उसके बाद से, उस दिन से उसने भीख मांगना छोड़ दिया, फूलों का बिजनेस करने लगा, छोटा छोटा काम चलने लगा, धीरे धीरे दुकान बड़ी होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। रेलवे स्टेशन पर इस तरफ से एक सूटेड बूटेड बंदा आ रहा था, इस तरफ से ये भिखारी जो कि बड़ा आदमी बन चुका था ये जा रहा था, वही व्यक्ति इससे फिर से टकराया जिसने इसे काफी कुछ सिखाया था। उसको जाकर के बोला कि भाई साहब नमस्ते, पहचाना, मैं वही भिखारी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको कहां पहचाना, आपसे कब मिला हूं मैं। तो इस भिखारी ने कहा कि शायद आप भूल गए, आपकी और मेरी दो बार मुलाकात हुई है, पहली बार आपने मुझे सिखाया था कि जिंदगी में लेन देन क्या होता है, और दूसरी बार जब मैं आपसे मिला था तो आपने मुझे सिखाया था कि सोच बड़ी करना क्या होता है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। सारा खेल सोच का है, अपनी सोच को तंदुरुस्त कीजिए, बुलंद कीजिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, वक्त बड़ी जल्दी कट जाता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आज सुनाता हूं आपको वक्त पर एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक राजा की, एक ऐसा राजा जिसने हर युद्ध में जीत हासिल की थी, छोटे छोटे राज्यों को हरा करके अपने राज्य का विस्तार करता जा रहा था, अपने राज्य को बड़ा करता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि अपने राज्य में डेवलपमेंट नहीं करवाता था, वहां भी विकास के काम करवाता था। राजा को प्रजा बड़ा पसंद करती थी, इसी बात से राजा को थोड़ा घमंड आ गया, उसको लगा कि अब तो मुझे कोई हरा नहीं सकता, अब तो मैं हर युद्ध में जीत हासिल करूंगा। एक दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ में घूमने के लिए निकला हुआ था, तभी उसे एक बाबा जी दिखाई दिए। बाबा जी के पास गया, जाकर के बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा कि बेटा हम तुमसे खुश हैं, तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। राजा ने कहा हाँ जी हाँ जी, बताइए आप क्या देना चाहते हैं। तो बाबा जी ने उस राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि इसे अपने गले में पहन लेना, इस ताबीज में एक मंत्र है, इस ताबीज को तब खोलना जब तुम सबसे ज्यादा मुश्किल में हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा है, अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है, तब तुम ये ताबीज खोलना। राजा ने कहा जो आज्ञा। मन ही मन राजा सोच रहा था कि बाबा जी कहां ताबीज के चक्कर में पड़े हैं, मैं ऐसा राजा बन चुका हूं जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल होगी। आस पड़ोस के जितने राज्य के राजा थे वो मन ही मन सोच रहे थे कि यार क्या किया जाए,
कैसे इस पर अटैक किया जाए, कैसे इसको हराया जाए। सभी राजाओं ने मिलकर के प्लानिंग बनाई कि क्यों ना सब साथ मिलकर के एक युद्ध में आते हैं। सारे राजाओं की सेना जब सामने आई, जब विशाल सेना ने आक्रमण किया, तो ये राजा घबरा गया, हारने की कगार पर पहुंच गया, युद्ध भूमि से डरता हुआ भागता हुआ जंगल में निकल गया। रास्ता भटक चुका था, इसे लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। यह राजा वहां छुपने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी इसे वहां पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा में जाकर के बैठ गया, छिप गया और इंतजार करने लगा कि कुछ अच्छा हो जाए। इसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, दिल धक धक कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि इसका अंतिम समय आने वाला है। यह घबराया हुआ था कि अचानक से इसे घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देने लगी। इसे लगा कि दुश्मन देश के सैनिक, उनके घोड़े अब इसकी गुफा की तरफ आ रहे हैं। अचानक से इसे लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। अचानक से इसने महसूस किया कि इसकी आंखों के सामने अंधेरा है, इसकी मृत्यु होने वाली है। इसको सैनिक पकड़ करके ले जाएंगे, फांसी दे देंगे, इसका राजपाट तो छिन ही गया है, अब जिंदगी भी चली जाएगी। ये राजा निराशा की तरफ जाता जा रहा था। तभी से अचानक याद आया कि उन बाबा जी ने एक ताबीज दिया था जो गले में पहना हुआ था। फटाफट से इसने ताबीज निकाला, उसे खोला और उस मंत्र को पढ़ने लगा जो मंत्र बाबा जी ने कहा था कि इस ताबीज में लिखा हुआ है। उसने ताबीज खोला तो अंदर एक कागज की चिट्ठी थी। उस कागज की चिट्ठी को खोला तो उस पर लिखा हुआ था, ये भी कट जाएगा। मंत्र था, ये भी कट जाएगा। राजा ने एक सुकून की सांस ली, राहत की सांस ली, एक बार फिर से ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि भगवान आपका धन्यवाद, आपने मुझे जिंदा तो रखा, हे ऊपर वाले आपका शुक्रिया। राजा ने एकदम से महसूस करना शुरू किया कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई है। उसे वो जो घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दे रही थी वो भी अब दूर जाने लगी। थोड़ी देर बाद वो घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। राजा धीरे से उस गुफा से बाहर निकला, जंगल में कुछ दिन रहा, वहां फिर से अपनी सेना बनाई, फिर से उस राज्य पर आक्रमण किया जो उसका खुद का था, जिसे किसी ने हथिया लिया था, और उस राज्य पर फिर से अपना झंडा कायम किया। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में घबराइएगा मत, क्योंकि अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, ये भी कट जाएगा। बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे। अगर आप चैंपियन हैं, चैंपियन की तरह सोचते हैं, तो आप चैंपियन ही बने रहेंगे। आप अपनी सोच को बस बुलंद रखिए। और चैंपियन बनने का सिर्फ एक रास्ता है, हार्ड वर्क और उसके साथ स्मार्ट वर्क। आरजे कार्तिक फिर से कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। आपने बड़े सारे उनके किस्से सुने होंगे, लेकिन ये वाला मजेदार है। एक बार बादशाह अकबर को लगा कि क्यों ना बेगम के लिए सेब काटा जाए, तो उन्होंने चाकू मंगवाया, एप्पल मंगवाया। अब उनको चाकू चलाने की आदत तो थी नहीं, कभी उन्होंने कोई सब्जी नहीं काटी थी, फल नहीं काटा था। वो जब सेब काट रहे थे, अचानक से उनके अंगूठे में चोट लग गई, खून निकलने लगा। तो बड़ी जोर से चिल्लाए और फटाफट से वैद्य को बुलाया गया, दवाइयां मंगवाई गईं। लेकिन इस सब के बीच में, जब वो चिल्ला रहे थे, दर्द से कराह रहे थे, जब वो दर्द में थे, उनके ठीक पास में बीरबल खड़ा हुआ था, क्योंकि जहां अकबर होते थे वहां बीरबल होता था। तो बीरबल ने कहा कि जहां पना आप इतना क्यों दर्द में हैं? याद रखो, जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि ये क्या मूर्खता है, यहां मुझे चोट लगी है और तुम अपना ज्ञान देने से पीछे नहीं रह रहे। तुम यहां भी अपना ज्ञान दे रहे हो, यहां भी तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बीरबल को कारागार में डालने के लिए कह दिया। सैनिकों से कहा कि इनको ले जाकर के कारागार में डाल दो, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी, मुझे ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करनी। जब मैं दर्द में हूं तो ये मुझे कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात को कई महीने बीत गए। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सैनिकों के साथ में जंगल में शिकार करने गए। शिकार का पीछा करते करते कब वो सैनिकों से बिछड़ गए, उन्हें खुद समझ नहीं आया। वो शिकार करते करते जंगल में अकेले चले जा रहे थे, तभी उन्हें वहां कबीले वालों ने पकड़ लिया। और जब कबीले वालों ने पकड़ लिया तो उन्होंने बताया कि मैं बादशाह हूं, जहां पना हूं। तो उन्होंने कहा कि होंगे अपने घर के, यहां पर आप कोई जहां पना नहीं है, यहां हमारा हुक्म चलता है, आपको हमारे साथ चलना होगा। जब ये वहां पहुंचे तो जाकर के देखते हैं कि कबीले वालों ने बलि चढ़ाने की तैयारी कर रखी थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या होने वाला है, जहां पना की बलि दी जाएगी। ये बोलते रहे लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी। जब बलि चढ़ाने की तैयारी होने लगी, तब कबीले वालों में से एक ने देखा कि इनके अंगूठे में चोट लगी हुई थी।
तो उसने अपने बाकी साथियों से कहा कि ये तो खंडित है, इसकी तो बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, इसको तो पहले से चोट लगी हुई है। कबीले वालों ने बादशाह अकबर को वहां से रवाना कर दिया, वहां से छोड़ दिया। जब ये वापस अपने राजमहल की तरफ आ रहे थे तो सोच रहे थे कि बीरबल ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था, जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये अगर चोट नहीं लगी होती तो मेरी यहां पर बलि चढ़ जाती। लेकिन इनके दिमाग में अब दूसरी बात चलने लगी कि चलो मेरे साथ में तो ये हुआ, मेरे साथ में तो अच्छा हुआ, लेकिन बीरबल के साथ क्या हुआ, उसको तो मैंने वहां कारागार में डाला हुआ है। महल में पहुंचे, फटाफट से कारागार में गए, जाकर के बीरबल को सारी कहानी सुनाई कि भाई ये मेरे साथ में हुआ, लेकिन अब ये बताओ कि तुम्हारे साथ में अच्छा क्या हुआ, तुम्हें तो मैंने जेल में डाल रखा है। तो बीरबल ने कहा कि जहां पनाह, मेरे साथ तो सबसे अच्छा हुआ, क्योंकि जहां आप जाते हैं वहां मैं आपके साथ जाता हूं, अगर आपकी बलि नहीं चढ़ाई होती, आप खंडित थे, तो बलि किसकी चढ़ती, आपके अपने बीरबल की। आपने तो मेरी जान बचा ली जहां पनाह, आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, जिंदगी में हमेशा याद रखना जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस वक्त शायद हमें समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ सालों के बाद में अगर हम फिर से पीछे देखें तो हमें लगता है कि ठीक ही हुआ था। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपको वो फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं तो उन बीजों की जांच कीजिए जो आप बो रहे हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक अमीर महिला की जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाया करती थी, रेगुलर जाया करती थी सेशंस के लिए। जब भी सेशन होता था उसके बाद में जब बाहर निकलती थी थोड़ा सा रिलैक्स फील करती थी, लेकिन हफ्ते 10 दिन में फिर से उनको लगता था, तनाव महसूस होता था, फिर से वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाती थी। एक दिन वो अपना सेशन खत्म करके जाने ही वाली थी कि उन्होंने अपने साइकियाट्रिस्ट से पूछा कि सर एक बात बताइए, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतनी अमीर हूँ, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं, फिर भी मुझे 10 दिन में 8 दिन में आपके पास सेशन के लिए क्यों आना पड़ता है। तो जो साइकियाट्रिस्ट थे उन्होंने कहा कि मैम आप फिर से बैठिए, आधे घंटे का वक्त और लगेगा, एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाऊंगा, और ये कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, ये कहानी सुनाने के लिए मैं बुलाता हूं किसी को। साइकियाट्रिस्ट ने आवाज लगाई, उनके घर में जो काम करने वाली अम्मा थी वो आई और आकर के नमस्ते करने लगी। साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि मैम अब आप कहानी सुनेंगे, लेकिन ये कहानी अम्मा की होगी। अम्मा से कहा कि अम्मा बैठिए, अम्मा ने चेयर ली, वो बैठ गई, और साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि अम्मा बताइए, इन मैम को बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ था और आज आप यहां तक कैसे पहुंची हैं। अम्मा ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। अम्मा ने कहा कि मैम मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा हुआ है, मेरा पति शराब पी करके घर आता था, मारपीट करता था, उसको कई बार समझाने की, उसकी शराब छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। एक दिन ज्यादा शराब पीने की वजह से वो बीमार पड़ गए, उनका इलाज चला, उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, मैंने घर घर जाकर के काम करना शुरू किया, लेकिन वो बच नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद मेरे परिवार में मेरा एक बच्चा था जिसको पढ़ाने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिया, अलग अलग जगह जाकर के काम करती थी, रेस्टोरेंट्स में जाती थी, ढाबों में जाती थी, घर में जाकर के साफ सफाई के काम करती थी, उसके लिए भी मैंने पूरी कोशिश की, उसका पूरा साथ देने की। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उसकी भी मृत्यु हो गई, उसकी भी डेथ हो गई। उसके भी चले जाने के बाद मैं दुनिया में अकेली पड़ गई, मुझे समझ नहीं आया कि मेरी लाइफ का क्या मकसद है, मेरे होने का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी मुझे जीने के लिए पैसों की जरूरत थी, मैंने काम करना जारी रखा, अलग अलग घर जाती थी, खाना बनाती थी, बर्तन मांजती थी, साफ सफाई करती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में हो क्या रहा है। एक दिन बारिश हो रही थी, मैं अपने घर की तरफ आ रही थी, मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे एक बिल्ली का बच्चा चला आ रहा है, भीगती हुई बारिश में ठिठुरता हुआ बच्चा मेरे साथ साथ मेरे घर के दरवाजे तक आ गया। मैं अंदर चली गई लेकिन वो बच्चा वहीं दरवाजे पर बैठा रहा, मैंने देखा कि उसे भूख लगी है, दूध गर्म करके उसके सामने मैंने रख दिया, वो बच्चा फटाफट से सारा दूध चट कर गया। ये देख करके पता नहीं क्यों अचानक से मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, और जैसे ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आई मुझे याद आया कि मैं कई सालों में पहली बार हंसी थी। मुझे ये लगा कि एक बिल्ली के बच्चे की मदद करने पर मैं इतना मुस्कुरा सकती हूँ, इतना खुश हो सकती हूँ, तो अगर मैं इंसानों की मदद करना शुरू करूंगी तो मेरी जिंदगी का मतलब बदल जाएगा, मेरे होने का मतलब बदल जाएगा। उस दिन से मैंने लोगों की मदद करना शुरू किया। एक बार एक व्यक्ति बीमार था, उनके लिए दवाई लेकर के आ गई। एक बार एक भाई साहब बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, उनके लिए खाना बना करके वहां तक पहुंचा दिया।
छोटे छोटे जो डॉग्स होते हैं उनके लिए मैं बिस्किट का पैकेट खरीदती हूँ, उन तक पहुँचाती हूँ, उनकी मदद करती हूँ, उन भूखों को खाना खिलाती हूँ। कई बार मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको पढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, मेरे पास जितना बन पाता है 100 रुपये 200 रुपये उन तक पहुँचाती हूँ, उनकी मदद करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और साहब के यहाँ जब से काम कर रही हूँ तब से तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है। साइकेट्रिस्ट ने जब ये पूरी कहानी अम्मा ने सुना ली उसके बाद में उन अमीर महिला से कहा कि मैम शायद अब आप समझी होंगी जीने का मतलब क्या है, असली खुशी क्या है, रियल हैप्पीनेस क्या है। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी है जब आप किसी की मदद करेंगे और आपको जो सुकून मिलेगा उससे बड़ी खुशी इस दुनिया में कभी भी आपको पैसे से भी नहीं मिल सकती। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, ज्ञान सभी के पास है। अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जरा संभल कर चलें क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक राजा की जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसके दरबार में जो भी जाता था वो खुश होकर के वापस आता था, उसकी बात सुनी जाती थी, समझी जाती थी। बाकी आसपास के राज्यों के राजा भी इस राजा से सीखने के लिए आते थे कि आप ऐसा क्या करते हैं, आपके पास में वो कौन सी शास्त्र विद्या है जो आप इस्तेमाल में लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। दुखी से दुखी आदमी आपके पास आता है तो खुश होकर के जाता है। आसपास के राजाओं को लगता था कि इस बंदे की कभी ना कभी किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मुलाकात होगी जो दुखी था और दुखी ही रहेगा। और एक दिन ये बात सच हो गई। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ में भ्रमण पर निकला हुआ था। अपने राज्य में जो भी उससे मिल रहा था उसको कुछ ना कुछ दे रहा था, शर्फी दे रहा था, उनकी मदद कर रहा था, पैसा दे रहा था। राजा एक बार फिर से अपना दरबार राज्य के बीचों बीच लगा चुका था। तभी राजा की नजर पड़ी एक भिखारी पर, एक दुखी इंसान पर। उसको लगा कि उसके राज्य में ये सबसे ज्यादा दुखी इंसान कौन है, ये छूट कैसे गया, इसका उद्धार कैसे नहीं हुआ। उसने सैनिकों को भेजा और कहा कि जाओ उस भिखारी को बुला करके लाओ। वो भिखारी आया और जैसे ही राजा के पास आया राजा ने उससे उसका हाल पूछा और उसको एक सोने का सिक्का दे दिया। अब राजा के मन में चलने लगा कि जब मैंने इसे एक सोने का सिक्का दे ही दिया है तो इसकी जिंदगी में अब कुछ ना कुछ तो बदल जाएगा। ये भिखारी अगर इस सोने के सिक्के का सही इस्तेमाल कर लेगा, कोई व्यापार शुरू कर देगा तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी। राजा ने यही सोच करके उस सोने का सिक्का भिखारी को दे दिया। भिखारी बड़ा खुश हुआ, उसने जिंदगी में पहली बार सोने का सिक्का देखा था। भिखारी खुशी के मारे झूमता हुआ नाचता हुआ जा रहा था, राजा सब देख रहा था। भिखारी फिर से जाकर के वहीं बैठ गया जहां बैठा हुआ था, नाली के पास। उस सिक्के को उछालने लगा और उस सिक्का गलती से नाली में गिर गया। अब वो भिखारी उस सिक्के को ढूंढने लगा, उसने पूरी कोशिश कर ली लेकिन वो सिक्का नहीं मिला। राजा ये सब देख रहा था और राजा को लग रहा था कि ये सबसे बुरा हुआ। उस भिखारी की मदद करने का मौका मुझे ऊपर वाले ने दिया था, मैंने उसकी मदद भी की लेकिन उसकी गलती से सोने का सिक्का गुम हो गया। फिर राजा को लगा कि क्यों ना इसकी एक बार फिर से मदद की जाए। सैनिकों को भेजा और फिर से उसे बुलाया और भिखारी को एक और सोने का सिक्का दिया। भिखारी फिर से खुशी से नाचता हुआ झूमता हुआ गया, खुश होकर के गया और वहां नाली के पास जाकर के बैठा और फिर से वो वाला सोने का सिक्का जो गिर गया था उसे ढूंढने लगा। राजा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि कितना गरीब इंसान मेरे राज्य में है जिसकी मैंने आज तक मदद नहीं की, आज मौका मिला है और देखिए उसकी हालत की, वो एक सिक्का अपने पास रख रहा है और दूसरे सिक्के को नाली में ढूंढ रहा है, शायद उसे दो सिक्कों की जरूरत है। फिर से सैनिकों को भेजा, फिर से भिखारी को बुलाया, एक और सोने का सिक्का दिया। भिखारी फिर से खुश हुआ, खुशी से नाचता हुआ वहीं जाकर के बैठ गया और फिर से नाली में जो सिक्का सबसे पहले गिरा था उसे ढूंढने लग गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, ये भिखारी कर क्या रहा है। एक बार फिर से सैनिकों को भेज करके उसे बुलाया और उससे कहा कि आप चाहते क्या हैं, मुझे लगा था कि आपको दो सोने के सिक्कों की जरूरत है, मैंने आपको तीन सोने के सिक्के दिए, एक नाली में गिर गया फिर भी आपके पास दो बाकी हैं, आप इससे अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। भिखारी ने कहा कि नहीं साहब, मुझे तो वही वाला सोने का सिक्का चाहिए जो नाली में गिर गया था। छोटी सी कहानी, आपकी और हमारी कहानी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं
जिनको बहुत सारे सोने के सिक्के ऊपर वाले ने दिए हैं, लेकिन हम उसी सोने के सिक्के के चक्कर में पड़े हैं जो कि नाली में गिर गया था। हम अपने उसी पास्ट में उलझे हुए हैं, आज भी उन्हीं बातों को लेकर के बैठे हुए हैं जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो बातें होकर के खत्म हो चुकी हैं। अगर आप अपने पास्ट में उलझे रहेंगे तो आज वर्तमान में जो खुशियां हैं, जो प्रेजेंट मोमेंट में आपको खुशी मिली है, उसको कभी जी नहीं पाएंगे। जिंदगी में असली खुशी वही है जो आज में है। आज की खुशियों को चेरिश करना शुरू कीजिए, उनके साथ जीना शुरू कीजिए, आने वाला कल खुशियों से भरा होगा। नाली में गिरे उस सिक्के को भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारे सिक्कों की बरसात ऊपर वाला आपकी लाइफ में करने वाला है। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहें, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसको क्या मिला उसका कोई हिसाब नहीं, तेरे पास रूह नहीं मेरे पास लिबास नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक राजा की जो अपने राज्य में बड़ा खुश था, जिसको लगता था कि उसके पास में खुशहाल प्रजा है, एक अच्छा परिवार है, एक अच्छा सा राज्य है, उसे लगता था कि उसके पास में बहुत सारा पैसा है। एक दिन अपने महल का दौरा कर रहा था, उसने देखा कि एक नौकर जो कि दीवार की साफ सफाई कर रहा था वो उससे ज्यादा खुश था। वो गाना गुनगुना रहा था, मजे में अपना काम कर रहा था। राजा को यही बात बुरी लग गई। वो अपने महल में वापस गया, अपने कक्ष में गया, जाकर के उदास होकर के बैठ गया। रानी ने पूछा कि क्या बात हो गई, आप उदास क्यों हैं? तो राजा ने बताया कि एक नौकर जो कि छोटा सा काम कर रहा है उसे क्या पैसे मिलते होंगे, इतनी कम तनख्वाह में खुश है। मैं राजा होकर के कई बार चिंताएं ले लेता हूँ, कई बार मुझे चिंता होती है कि राज्य में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, आस पड़ोस के राजाओं की चिंता ले लेता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना खुश कैसे हो सकता है। तो रानी ने कहा कि आप परेशान मत होइए, उसे बस 99 के फेर में पढ़ने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। राजा ने कहा कि 99 का फेर क्या है? तो रानी ने कहा कि काम करते हैं, आज रात में आप किसी को उस नौकर के घर के बाहर भेजिएगा और उसके दरवाजे के बाहर एक पोटली रखवा दीजिएगा, उस पोटली में 99 सोने के सिक्के रखवा दीजिएगा। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम जो कह रही हो ये करके देख लेते हैं। राजा ने वही किया। उस नौकर के घर के बाहर दरवाजे पर एक पोटली रखी गई जिसमें 99 सोने के सिक्के थे। नौकर जब अगली सुबह जगा, उसकी वाइफ जब घर की साफ सफाई कर रही थी, उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक पोटली घर के बाहर रखी है। वो पोटली अंदर लेकर के आई, नौकर को जगाया कि हमारे घर के बाहर कोई पोटली रख करके गया है। नौकर ने वो पोटली खोली तो हैरान हो गया, उसमें सोने के सिक्के थे। वो गिनने लगाए, 1, 2, 3, 95, 96, 97, 98, 99। एक सिक्का कम था। नौकर अंदर तक हिल गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि रखने वाला 100 सोने के सिक्कों की पोटली रखे गया होगा, 99 का कौन सा हिसाब है? तो वो फटाफट से घर से भागा और अपने घर के आसपास जितने रास्ते थे सारे छान मारे। वो रास्ते ढूंढता चला गया कि कहीं कोई सिक्का दिख जाए, कहीं कोई सिक्का दिख जाए, लेकिन कोई भी सोने का सिक्का नहीं दिखा। उस पूरे दिन उसने अपने शहर के सारे रास्ते छान लिए, लेकिन वो सोने का सिक्का नहीं मिला। अगले दिन नौकरी पर वापस गया तो वहां उसको डांट पड़ी कि बिना बताए आपने छुट्टी कर ली। पूरे दिन उदास रहा, अगले 5-7 दिन तक उदासी से काम करता रहता था। राजा एक दिन फिर से घूमने के लिए निकले, अपने महल का दौरा कर रहे थे तो देखा कि वो नौकर बड़ी उदासी के साथ काम कर रहा है। अपनी वाइफ के पास गए और जाकर के बोलते हैं रानी को कि देखो, मैंने आज फिर से उस नौकर को देखा, आज वाकई में उदास था, ये हुआ क्या? तो रानी ने कहा कि अब वो उदास ही रहा करेगा, आप उसको एक और सोने का सिक्का पहुंचा देना, ताकि उसकी वो जो लालसा है, वो जो चाहत है, वो मिट जाए, वो नहीं तो 99 के फेर में पड़ा पड़ा बर्बाद हो जाएगा। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम सब भी 99 के फेर में हैं, हमारे पास में काफी कुछ है जिसे हम इंजॉय नहीं करते, जिसके बारे में हम खुश नहीं होते। हम सब उस एक सोने के सिक्के के पीछे पड़े होते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां पहले से हैं। जो मिला है उसमें संतुष्ट होइए और आने वाले कल के लिए तैयारी कीजिए। सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने देखिए और उनके लिए मेहनत कीजिए, लेकिन जो आज में है, जो आज की खुशियां हैं, उन्हें भी जीना शुरू कीजिए। इसीलिए आरजे कार्तिक कहता है, आज में खुश रहें, कल की तैयारी करें और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बहुत गुरूर था छत को छत होने पर, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई।
हाय गाइज, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। ये कहानी है एक गरीब परिवार की जो गांव में रहा करता था, जिनके बच्चे के बड़े बड़े सपने थे। इस परिवार में जो बच्चा था वो बड़ा होकर के इंजीनियर बनना चाहता था, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था, कोचिंग करना चाहता था, IIT में जाकर के पढ़ना चाहता था। इस परिवार के पास में इतना पैसा नहीं था। उस बच्चे ने जिद की, मम्मी पापा से कहा कि पापा एक बार मौका दीजिए, मुझे शहर जाने दीजिए, वहां पर कोई भी पार्ट टाइम जॉब करूंगा, पैसे कमाऊंगा, उसी पैसे से अपनी फीस भर दूंगा, आप पर कोई लोड नहीं आएगा, बस मुझे मौका दीजिए। मम्मी पापा इसकी जिद के आगे हार गए, इसे शहर भेज दिया। यहां आकर के ये एक बास्केटबॉल कोर्ट में साफ सफाई का काम करने लगा। वहां से जो पैसे मिलते थे उससे फीस भरता था, IIT की कोचिंग कर रहा था। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा लड़का, हर शाम में बास्केटबॉल कोर्ट में जाता। वहां जाकर के देखता कि अमीर परिवार के बच्चे आते थे, वो आकर के बास्केटबॉल खेलते थे। कई बार इसका मन होता था, सपने तो देखता ही था, इसका मन होता था कि बास्केटबॉल खेलूं। एक बार इसने वहां जो बच्चे खेल रहे थे उनसे कहा कि भैया अगर आप एक बार मौका दें तो मैं भी खेलना चाहूंगा। उन्होंने इसकी हंसी उड़ा दी और इसे डांट करके भगा दिया। एक दिन ये रोजाना की तरह वहां साफ सफाई करने के लिए पहुंचा हुआ था, पत्ते उठा रहा था, झाड़ू लगा रहा था, तभी इसने देखा कि वहां पर वो बच्चे तो खेल ही रहे थे, एक कन्या भी आकर के बैठी हुई थी, एक लड़की वहां पर आई हुई थी। जो लड़के खेल रहे थे उनमें से किसी की गर्लफ्रेंड थी। उन लड़कों ने देखा कि ये साफ सफाई वाला लड़का आज फिर से आया है। उन्होंने इसको बुलाया और उनमें से एक जिसकी की वो गर्लफ्रेंड थी, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए टशन दिखाते हुए इस लड़के को डांटना शुरू किया कि ढंग से सफाई करो और सुनो एक काम करते हैं, तुम रोज कहते हैं ना बास्केटबॉल खेलनी है, आ जाओ तुम बास्केट करके दिखा दो। इस लड़के को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, मतलब जो रोज भगा देते हैं, खेलने नहीं देते, आज वो खुद खेलने के लिए बुला रहे हैं। लड़का कोर्ट में पहुंचा और इसने कहा कि ठीक है भैया, मैं कोशिश करके देखता हूं, मैंने आज तक तो खेला नहीं, मुझे पता नहीं, बस आपको खेलते हुए देखता था, उसी से शायद कुछ बात बन जाए। इस लड़के ने बास्केट करने की कोशिश की लेकिन बॉल कभी इधर जाती कभी उधर जाती, निशाने पर नहीं जा रही थी। वो सारे लड़के हंसी उड़ाने लगे। इस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मेरा तो मजाक बन रहा है। ये फिर से उन बच्चों के पास गया, जाकर के बोला कि भैया एक मौका दीजिए, बस मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, आप जो बोलेंगे जहां से बोलेंगे वहां से बास्केट करके दिखाऊंगा। उन लड़कों को लगा कि अब तो चैलेंज दे रहा है, मतलब ये साफ सफाई करने वाला लड़का हमें चैलेंज दे रहा है। उन्होंने कहा ठीक है तो आधा घंटा ले, उसके बाद में हम जहां से बोलेंगे वहां से बास्केट करके दिखाना। इस लड़के ने कहा कि ठीक है भैया। ये आधे घंटे के टाइम में फटाफट से उस बास्केटबॉल कोर्ट का जो ऑफिस था वहां पहुंचा, इंच टेप लेकर के आया। इसने जहां खड़ा था वहां से उस पोल की डिस्टेंस मेजर की, उसके बाद में जो पोल था जहां पर वो बास्केट लगी थी उसकी डिस्टेंस मेजर की। IIT की पढ़ाई कर रहा था, फॉर्मूलाज लगाना शुरू किया। इसे समझ में आ गया कि कौन सा एंगल रखना है, कौन सा एंगल पर निशाना साधना है। उसके बाद में आधा घंटा खत्म हुआ, इसने उन बच्चों से जाकर के कहा कि अब बताइए कहां से बास्केट करनी है, और उसके बाद में तो जहां से बच्चे बोल रहे थे वहां से बास्केट कर रहा था, मतलब क्या हाफ कोर्ट, जहां से उन्होंने बोला वहां से इसने बास्केट करके दिखा दी। इसने अपना दिमाग लगाया, खुद को कमजोर नहीं समझा और उन अमीर बच्चों के सामने साबित कर दिया कि ताकत काबिलियत हर किसी में होती है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, जिंदगी में कभी भी खुद को कमजोर मत समझना। प्रैक्टिकल लाइफ में देखना आपके पास में भी टैलेंट है, आपके पास में भी क्षमता है जिंदगी में आगे बढ़ने की। अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो एक बार अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा और समझिएगा कि आप किस में अच्छे हैं। जिस फील्ड में आप अच्छे हैं उसी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। I am sure आप कमाल कर जाएंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। Thank for watching.